हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुकैया बुटीक। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल सी स्टाइलिश ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो, जिसके लिए मैंने अपना कपड़ा लिया है। ये 3 मीटर है। तो इस ड्रेस की मैं पहले आपको कटिंग बताती हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर पहले मैं इसके ऊपर की पोर्शन निकालूंगी, जो कोटी होती है वो निकालूंगी, उसको कट करूंगी। और ये ड्रेस इतनी स्टाइलिश है कि इसको हम ट्राउजर के साथ भी वेयर कर सकते हैं, जीन के साथ भी वेयर कर सकते हैं, या लेगी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसे जीन के साथ वेयर करके आपको दिखाई है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं, पहले ऊपर वाली कोटी की। तो इसको मैंने इस तरह से अब 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो लेंथ जो मुझे रखनी है वो मैं ऊपर से यहाँ से इसकी 15 इंच पर निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर। अब मैं इसकी तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर। और इसका जो नेक बनाना है वो मैं बोर्ड शेप में बनाऊंगी, इसलिए मैंने 7 इंच पर रखा है। अब मैं इसके आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, वो भी मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दूंगी अपने मार्क्स को। अब फिटिंग का निशान लगाना है, तो ऊपर से मैं रख रही हूँ इसे 9 इंच पर, और कमर से मैं इसका निशान लगाऊंगी यहाँ पर 7 इंच पर। इस तरह से ये जो मैंने निशान लगाया है ये मेरे फिटिंग का 4th पार्ट है। अब मैं इसमें प्लेट्स जो डालनी है उसका निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से ऊपर से 11 इंच पर, और यहाँ से इसके बीच का गैप 3.5 इंच रखूंगी। इस तरह से इसे लॉन्ग लगा लूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे साइड में रख के अब मैं इसकी स्लीव निकालती हूँ। तो स्लीव जो है वो मैं फुल बनाऊंगी, पूरी लॉन्ग बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसे नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूंगी इस तरह से। मेरी स्लीव की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा होगी, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है इसे नीचे तक। तो मैं इसकी जो लेंथ है वो मैं लगाऊंगी यहाँ पे, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसे 27 इंच पर। स्टिच करने के बाद मेरी 25 इंच बचेगी। उसके बाद आर्म होल्ड का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 10 इंच पर, और इस तरह से इसे गोलाई में लगा लूंगी, इसे मार्क कर लूंगी। अब मैं इसकी फिटिंग का निशान लगा लूंगी। तो मोरी जो मुझे स्टिच करके रखनी है वो 4.5 इंच तैयार करनी है। तो इसकी कटिंग का निशान मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। इस तरह से इसकी फिटिंग का निशान लगा लूंगी। अब मैं इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ। अब मुझे नीचे के फ्लेयर निकालने हैं। तो मैंने कपड़े को अपने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है, जो मेरा बचा हुआ था। अब मुझे इसकी लेंथ जो रखनी है वो 15 इंच रखनी है पूरे अपनी ड्रेस की। तो ऊपर से मैं 14 इंच अपनी कोटी का माइनस करके नीचे 15 इंच पे लगा लूंगी। तो ये मेरा पूरा इस तरह से आ रहा है, इसे कट कर लेती हूँ। अब मैं अपनी इस फ्लेयर का एक पीस उठाऊंगी। ये मुझे फ्रंट वाला रखना है। तो इसको मैं पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेती हूँ, इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मेरी इस ड्रेस में फ्रंट साइड पे कट रहेगा इसमें, फ्लेयर में आगे से मतलब ओपन रहेगा, इसलिए मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको यहाँ से बीच में से कट कर लूंगी। इस तरह से इसे रख के यहाँ से कट कर लूंगी सेंटर में से। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। ये मेरे नीचे के फ्लेयर आ गए हैं, ये मेरी स्लीव है, और ये मेरी कुर्ती के ऊपर वाला पोर्शन है, कोटी है। अब इसको स्टिच करना बताती हूँ। तो मैंने ये अपना बोट नेक लिया है, जो मैंने बुकरम का कट करके रख लिया था। अब मैं इसको एक वेस्ट कपड़े पे इस तरह से रख कर इसे स्टिच कर लूँगी। स्टिच कर लिया है ये देखिए। अब मैं इसकी बिल्कुल सेंटर में एक कट का निशान लगा लेती हूँ। और जो मेरे कोटी का फ्रंट साइड वाला पीस है उसको लूंगी, और उसके भी बिल्कुल सेंटर में एक कट का निशान लगा लूंगी यहाँ पर। अब मैंने ये अपने नेक को इसको सेंटर में जहाँ पे मैंने कट के निशान लगाए थे दोनों को मिलाकर रखूंगी, और एक बीच में कच्ची सिलाई लगा लूंगी ताकि एक तरह से फिट हो जाए। अच्छे से रख कर इसे सेट करके बीच में सिलाई लगा लूंगी।
बीच में सिलाई लगाने के बाद अब मैं इस नेक की शेप में एक सिलाई लगा लूँगी। अब इसको मैं अंदर जो मेरा कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको कट कर लेती हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। कट्स लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं अपने नेक पर इस पर तुरपाई कर लूँगी सुई से। ये देखिए ये हो चुका है रेडी। अब मैं अपनी कोटी का बैक साइड वाला पोर्शन ले रही हूँ, इसका मुझे नेक कट करना है तो इसको पहले इसी तरह से डबल फोल्ड करके रख रही हूँ। अब मैं इस पे नेक की मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से ब्रॉड में मुझे चाहिए ये 4 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा रख रही हूँ, 4.25 इंच, और नीचे की साइड में इसे 3.5 इंच पर रख दूँ। अब मैं इसको इस तरह से गोलाई में अच्छे से मार्क कर लूँ, बोट शेप में देना है इसे। इसको कट कर लिया है। अब मैंने ये एक पट्टी ली है, ये उरेब में है यानी कि कपड़े को टेढ़ा काटा हुआ है। अब मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अपनी नेक की इस शेप में इसे स्टिच कर लूँगी यहाँ पर। ये देखिए स्टिच कर लिया है। अब इसमें भी मैं सेम इसी तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने से मेरे नेक की जो शेप है वो अच्छे से आ जाती है, पट्टी अंदर फोल्ड अच्छे से हो जाती है। अब मैं यहाँ पर ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। अब जो मैंने प्लेट्स के निशान लगाए थे पहले मैं वो प्लेट्स डाल लेती हूँ अपने फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। अब इसके बाद मैंने अपने नीचे वाले फ्लेयर लिए हैं जो मैंने फ्रंट साइड का लिया है, जो मैंने कट किया था बीच में से। इसको पहले मैं यहाँ पे रखकर इस पे निशान लगाती हूँ, एक यहाँ पे ऊपर से मैं इस पे निशान लगा रही हूँ 12 इंच पर। ये मैं 12 इंच पर यहाँ पर इसे ऊपर से स्टिच कर लूंगी और नीचे से ये खुला रहेगा। ये पूरा जहां पे मैंने मार्क किया है यहां तक इसे स्टिच कर लूंगी। यहीं से इसे बैग ले जाऊंगी ताकि अच्छे से पक्की सिलाई लग जाए। ये देखिए इसे स्टिच कर लिया है। अभी मैं नीचे की साइड लेके जाती हूँ इसे यहाँ से, और बिल्कुल नीचे से मैं इसको अपनी कुर्ती के इस फ्लेयर को इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूंगी। ये पक्की सिलाई लगानी है और ये बहुत बारीक सा फोल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे चुन्नट भरनी है, तो उसके लिए मैंने अपनी सिलाई की मशीन की जो सिलाई है उसे फुल किया हुआ है। तो फुल करने पे ये इस तरह से मेरी बैक साइड पे चुन्नट अपने आप बन जाती है। एक सिंगल सिलाई लगानी है बस, तो ये चुन्नट अपने आप ही इस तरह से बन जाएंगी। ये देखिए चुन्नट बन गई है। अब मैं इस तरह से इसका एक धागा खींच कर, अगर ये अगर ज़्यादा ही आपका साइज से ज़्यादा ही आ रहा है अभी, तो एक धागा पकड़ कर उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। और अब इसको मैं अपने कोटी के ऊपर इस तरह से रखूंगी और इसको इसके साथ यहाँ पे अच्छे से सेट करके चुन्नट इकसार करके सब जगह पे अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है, अपना फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी दोनों। अब इन दोनों को आपस में रख कर यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर से तीरा जो है इस पर सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से इसे शोल्डर को अटैच कर लूंगी दोनों। शोल्डर अटैच कर लिए हैं मैंने। अब मुझे इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। मार्किंग करने के बाद मैं अपनी फिटिंग भी लगा लूंगी पूरा नीचे तक। ये इस तरह से मेरा रेडी हो चुकी है। अब मुझे इसकी स्लीव लगानी है। तो स्लीव के लिए मैंने अपने आर्म होल्ड को ड्रेस की उसको थोड़ा सा गहरा कट कर लिया है, और स्लीव का भी मुझे इसी तरह से फ्रंट साइड वाला जो है उसको थोड़ा सा गहरा कट कर लेना है। और ये जो मेरे बीच का गैप होगा इतना ही मुझे ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना है अपनी स्लीव का, और जो मेरी ड्रेस की फिटिंग वाली सिलाई है वहीं पे मैं अपनी स्लीव की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ और इसकी फिटिंग लगा के स्लीव की अब इसे अटैच कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से अटैच हो चुकी है।
इस तरह से मैं अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये ड्रेस रेडी कर सकती हूँ कि नीचे से फोल्ड करना रह गया है तो इसको भी मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी।